हाँ तो भाई, क्या हाल है यार? ठीक ठाक हो? आज हम जो मैच खेलने जा रहे हैं वो है भाई टीम रोमन रेंज, मतलब रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना जो है वो मुकाबला करने जा रहे हैं। द टीम ऑफ एंड एन एरा टीम, मतलब अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच। जैसे तुम स्क्रीन पे देख रहे हो भाई, मैंने मैच में जो है नॉकआउट ऑन रखे है, एलिमिनेशन भी ऑन रखा हुआ है, रिंग का जो काउंट डाउन है वो मैंने नहीं रखा हुआ था, क्योंकि यार वैसे मतलब काउंट आउट होने का खतरा होता है, इसलिए मैंने जो है काउंट आउट नहीं रखा हुआ मैच में। और जैसे वीडियो स्टार्ट हो रही है यार, तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मैच होने लग गया। आई होप यार कि टीम रोमन रिंग्स जो है वो मैच जीत जाए। वैसे अभी तक टीम रोमन रिंग जो है वो किसी भी जो है वो टीम से नहीं हारी है, बहुत ही जो है वो डोमिनेटली जो है वो परफॉर्म कर रही है रोमन रिंग्स की टीम। सो अभी देखते हैं भाई रोमन रिंग्स की टीम कैसे परफॉर्म करती है अगेंस्ट एंड ऑफ एन एरा टीम। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ये जो है वो जॉन सीना और अंडरटेकर जो मैच का स्टार्ट करते हुए, और अब देखते हैं भाई जॉन सीना कैसे परफॉर्म करते हैं। वैसे यार WWE 2K23 में जॉन सीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कुट खाते हैं, मतलब जितने भी मतलब मैंने मैचेस खेले ना उसमें जॉन सीना जो है वो हमेशा जो है वो कुट ही खाते हैं, मतलब आई डोंट नो वाई, लेकिन यार हमेशा मोस्टली जो वो ऐसे ही होता है। और जॉन सीना ने जो यार अनएक्सपेक्टेडली जो है वो मैच का जो आगाज़ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया। ये जॉन सीना जो है वो अंडरटेकर को सुप्लेक्स देने लगे, और ये जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सुप्लेक्स दे दिया अंडरटेकर को। सो अभी देखते हैं भाई इस मैच में कौन जीतता है। यार वैसे फेवरेट्स टीम रोमन रिंग्स है, क्योंकि रोमन रिंग्स का ओवरऑल जो है वो सबसे ज़्यादा है, जैसे तुम लोग को पता है भाई 99 ओवरऑल है रोमन रिंग्स का। सो अब देखते हैं रोमन रिंग जो है कैसे परफॉर्म करते हैं इस मैच में, और जॉन सीना अब अपने सिग्नेचर और फिनिशर जल्दी से एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं, देखते हैं अब। और ये मैं स्प्रिंग बोर्ड स्टनर देने लगा हूँ, लेकिन यार ये पहले अंडरटेकर उठ जाए ना तो मैं अपना मूव एग्जीक्यूट करूँ, लेकिन अंडरटेकर को पता है भाई कि मैं स्प्रिंग बोर्ड स्टनर दूंगा, तो इसलिए सोए रहे नीचे, उठे नहीं। और ये जो है इतना मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया अंडरटेकर की तरह, मैंने जो है वो पावर बॉम्ब दे दिए। सो अंडरटेकर अब रिंग के बाहर जाते हुए, चलो रिंग के बाहर इसकी ज़रा पिटाई करते हैं। और ये जो है वो शॉन माइकल जो है चीप शॉट करते हुए या मुझे रिंग से बाहर फेंक दिया, मतलब तू लीगल मैन नहीं हो, तू बीच में पंगे कर रहे, तू टैग दे के अंदर आना, तुझे मैं बताता हूँ बदला तो मैं ज़रूर लूँगा, मतलब एम ही, मतलब तू लीगल मैन भी नहीं हो यार, बीच में पंगे शंगे कर रहे। और अब देखते हैं यार, अब अंडरटेकर ने मुझे उठा लिया, पता नहीं स्नीक आइज देने लगे क्या करने लगे, लेकिन मैंने रिवर्स कर लिया। ये जो है मैंने जो है सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब दे दिया, ये अच्छा मूव है वैसे जॉन सीना का, बहुत कम ही यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। और ये शॉन माइकल्स को भी भाई अपना बदला ले लिया और स्टन कर दिया, वही गुड यार जॉन सीना। और ये जो है यार, ये जॉन अंडरटेकर जो मैं कॉर्नर पे लेके जा रहा था, लेकिन शॉन माइकल्स आगे आगे रुक गए अंडरटेकर, और ये जो है वो फेस बस्टर दे दिया जॉन सीना ने। और ये ट्रिपल एच जो है बहुत डेस्परेट है यार टैग देने के लिए, लेकिन भाई मैं टैग नहीं देने दूंगा, जल्दी से भाई अंडरटेकर को एक फिनिशर और सिग्नेचर मारता हूँ, जल्दी से भाई इसको एलिमिनेट करता हूँ। यह जो है अब दूसरा सुप्लेक्स देने लगे, अंडरटेकर यार उठता नहीं है, मतलब इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, मतलब अंदर ही सोया रहता है यार, तू जल्दी उठ भाई, क्या कर रहे हो ये यार। मैं 5 नकल शफल देने ही लगा था, लेकिन यार मुझे अंडरटेकर ने रिवर्स करके जो है मुझे DDT दे दिया। सो अब देखते हैं भाई, और ये जो है वो जॉन सीना कम बैक करने की कोशिश में, ये रिंग के पैर जाते हुए, ये अब ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर का फड्डा और है, और ये अंडरटेकर ने ब्रॉक लेसनर को स्टंट कर दिया। यार ये क्या हो रहा है, कभी जॉन सीना बाहर जा रहा है, कभी अंडरटेकर बाहर जा रहा है, ये हो क्या रहा है भाई। और ये जो है वो जॉन सीना ने ए दे दिया भाई अंडरटेकर को, लेकिन अंडरटेकर स्टंट हो चुके हैं, फाइनली एक फिनिशर तो चलो कनेक्ट हो गया, लेकिन चलो ये है कि खैर अभी वो तो नहीं हुआ एलिमिनेट। और ये जो है 5 नकल शफल देने लगे हैं, लेकिन यार मुझे किक टू द हेड दे दिया। ऐसे रियल लाइफ में इनका दोनों का जो मैच हुआ था तो वो 5 to 6 मिनट्स का मैच था, यार मैं इतना शॉक हुआ था ना उस मैच में, मतलब कम से कम 30 मिनट्स का तो मैच होना ही चाहिए था, मतलब इतने दो ग्रेटेस्ट WWE सुपरस्टार लड़ रहे थे यार, जस्ट 5 to 6 मिनट्स या कम ऑन यार, मतलब अब तो खैर कोई चांस नहीं कि इनका दोबारा मैच हो, क्योंकि अब दोनों ही जो हैं वो आउट ऑफ एक्शन है अभी। हाँ मनी इन द बैंक में आए थे जॉन सीना, वैसे ही मतलब एक ए देने के लिए आए थे ग्रेसन वॉलर को। और अब जो शॉन माइकल्स आ गए, और शॉन माइकल जो आते ही जो है वो पावर बॉम्ब देने लगे, ये पावर बॉम्ब दे दिया। और यार ये पिनफॉल क्यों करने जा रहा है भाई, पहले मार तो ले, अभी सिर्फ मेरा हेड ही येलो हुआ है, और मतलब इतनी जल्दी पिनफॉल कर रहा है, मतलब अभी जल्दी इतना जल्दी तो खैर पिनफॉल बनता ही नहीं है, मतलब इतनी जल्दी पिनफॉल करने की ज़रूरत क्या, शॉन माइकल्स पहले मार ले, पहले थोड़ा सा इंजर्ड कर मुझे, फिर जाके जो है पिनफॉल कर, मतलब इतनी जल्दी पिनफॉल करने की ज़रूरत नहीं है तुझे। और ये जो है भाई ज़बरदस्त किस्म की चपेड़ मारी है भाई शॉन माइकल्स को। सो अब जो है यार मैं मंकी फ्लिप देने ही लगा था, लेकिन शॉन माइकल्स ने जो है रिवर्स कर लिया।
सो अब जो शॉन माइकल्स के पास सब भाई एक सिग्नेचर आ चुका है, सो शॉन माइकल्स डेंजरस साबित हो सकते हैं। ये मैंने मंकी फ्लिप जो है फाइनली कनेक्ट कर दी है। वैसे जॉन सीना को यार अब टैग दे देना चाहिए, क्योंकि यार हाँ सो फाइनली मैंने टैग दे ही दिया भाई, ब्रॉक लेसनर को टैग दे दिया। और ये जो है वो ब्रॉक लेसनर ने आते ही भाई सुपलेक्स से आगाज़ कर लिया भाई। ब्रॉक लेसनर जब से WWE में आए ना, सुपलेक्स अभी तक कोई 5-10 लाख सुपलेक्स दे दिए होंगे जितने सालों से, 2012 में रिटर्न आए थे ना, सो 2012 से मैं रिटर्न आए थे और सुप्लेक्स ही दिए जा रहे हो। ये जो है वो फंसा के पिनफॉल करने लगे थे शॉन माइकल, लेकिन शॉन माइकल्स को पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर रही है, बीस इन कॉर्नर खुस्से से उठते हुए और आते ही जो उन्होंने जो है सुप्लेक्स दे दिए, उठते हुए ही सुप्लेक्स दे दिए भाई। सो ब्रॉक लेसनर जो है वो और ये दोनों जो है टैग देने के लिए ये टैग दे दिए। अब ट्रिपल एच आ गए, द गेम द किंग ऑफ किंग्स आ चुके हैं भाई, और आते ही जो उन्होंने मुझे कॉर्नर के ऊपर स्नीकाइज दे दिए। और ये यार पिनफॉल पे पागल है क्या, इतनी जल्दी किधर भाई पिनफॉल होने लगा है, वो भी बीस्ट एंड कॉर्नेट का, इम्पॉसिबल। और ये जो है वो स्टैंडिंग की मिरर लॉक लगा दिया भाई। वैसे ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर की भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की राइवलरी रही। अगर तुम WWE को फॉलो कर रहे हो तो इनके दरमियान समर स्लैम का मैच हुआ था, रेसलमेनिया का मैच हुआ था, स्टील केज मैच हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मैचेज हुए हैं। और उनमें से जो मैच जीता है ना ट्रिपल एच ने, वो सिर्फ एक ही मैच जीता है इन तीनों मैचेस में से। सो ब्रॉक लेसनर दो मैचेस जो है वो अंडर ब्रॉक लेसनर ने जीते और एक जो है वो ट्रिपल एच ने जीता है रियल लाइफ में। सो अब देखें भाई जो है WWE 2K23 में क्या होता है। वैसे ट्रिपल एच जो है वो मार खा रहे हैं ब्रॉक लेसनर से, और ये जो है वो पावर बॉम्ब देने लगे ब्रॉक लेसनर ट्रिपल एच को, ये पावर बॉम्ब दे दिया। सो भाई अच्छा स्टार्ट लिया वैसे ब्रॉक लेसनर ने भी, जब से टैग दिया है मार रहे हैं भाई ट्रिपल एच को। और ये जो है वो F5 देने लगे भाई द किंग ऑफ किंग्स को, और ये जो है यार रिवर्स कर लिए, लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर ने सही ज़बरदस्त किस्म की चपेट नहीं मारी भाई, चपेट बनती भी थी यार F5 को रिवर्स कर तो, कम ऑन यार। और अब यार क्यों ना यार टैग दिया जाए, जल्दी से टैग दिया जाए। अब आ गए भाई जी हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ, और यार ये फ्लाइंग क्लोज लाइन भाई मिस करने की क्या ज़रूरत थी भाई, फ्लाइंग क्लोज लाइन मिस कर दिया तूने, और ये जो है सुप्लेक्स खा लिया। मतलब यार ये मुझे जो है ना मूव सबसे बुरा लगता है इसका, फ्लाइंग क्लोज लाइन ये मिस कर देना फिर बस अंदर बैठा ही रहता है, मतलब झुका ही रहता है, उठता नहीं है फिर रोमन रिंग्स, ये मसला है इसका। खैर अब देखते हैं भाई जल्दी से कमबैक करते हैं, और यार जल्दी से अभी तक एक सुपरस्टार भी जो है एलिमिनेट नहीं हुआ इस मैच का, अभी 3-on-3 चल रहा है भाई। वैसे इस टाइम तक तो यार एक सुपरस्टार को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, एक या दो सुपरस्टार को, अभी तक एक भी एलिमिनेट नहीं हुआ यार। और अब आ गए भाई द डेड मैन, और ये जो है आते ही जो है उन्होंने फेस बस्टर खा रहे हैं भाई, अभी आए हैं और अभी जो है फेस बस्टर खा लिए। सो रोमन रिंग्स बहुत सही फॉर्म में लग रहे हैं। वैसे यार ट्रिप शॉन माइकल्स को थोड़ा और मार देना चाहिए था, इतनी जल्दी टैग नहीं देना चाहिए था अंडरटेकर को, लेकिन खैर अंडरटेकर अभी आए ना फ्रेश है, सो आगे खैर फ्रेश किधर है, फ्रेश किधर है, स्टार्टिंग की जो है वो जॉन सीना अंडरटेकर ने की है, सो फ्रेश नहीं है, तो इसलिए तो भाई टैग नहीं देना चाहिए था ना, फ्रेश मैन नहीं था, खुद ही इसको लड़ना चाहिए था शॉन माइकल्स को। और यार ये ब्रॉक लेसनर क्या कर रहा है भाई, देख रहे हैं, चल भाई रिंग के अंदर जा अभी। अबे क्यों यार ये सामने क्यों आ जाते हैं, ये मसला है एक तो इसका, सामने बस फिर खड़े हो जाते हैं, फिर मुझे आगे भी नहीं आने देते, ये मसला होता है इस मैच बस इसको। ये यार ये कैसे एलिमिनेट कर दिया अंडरटेकर को यार, अभी एक फिनिशर ही सिर्फ एक ए लगा है अंडरटेकर को और एलिमिनेट कर दिया यार, कम ऑन अंडरटेकर, तुम्हारा ओवरऑल जो 95 है, मतलब यार एक ए ए क्यों यार, एक ए ए से तुम एलिमिनेट हुए, अभी मैंने एक स्पेयर मैंने देना था इसको, लेकिन यार स्पेयर से पहले ही अंडरटेकर जो है वो एलिमिनेट हो गया यार, कांट बिलीव दिस। और ये जो फेस बस्टर दे दिए शॉन माइकल्स को, अच्छा बाय ट्रिपल एच को भी स्टंट कर दिया है भाई द ट्राइबल चीफ ने, और यार ये क्या कर रहा है भाई, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं भी भागे जा रहा हूँ यार, मतलब पहले उसको खड़े होने दे उसके बाद यार अपना मूव एग्जीक्यूट कर, मतलब मैं भी मतलब स्प्रिंट ही कर किए जा रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या मसले। सो भाई अब देखते हैं भाई क्या होता है, अभी तो खैर वो रोमन रिंग्स जो है वो कुट खा रहे हैं शॉन माइकल से, और ये जो है शॉन माइकल जो है वो सुपलेक्स देने लगे रोमन रिंग्स को, और ये जो है वो सुपलेक्स दे दिए भाई रोमन रिंग्स को शॉन माइकल्स ने। सो भाई शॉन माइकल्स सही भाई कुट खा रहे हैं भाई, शॉन माइकल्स कह रहे हो रोमन रिंग्स, और ये शॉन माइकल्स पिनफॉल करने जा रहे हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने जो है वो पिनफॉल को ब्रेक कर दिया। सो वेल डन ब्रॉक लेसनर, वेल डन मुझे हेल्प करने के लिए, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने भी अब सही कुट खा लिया भाई शॉन माइकल्स से। सो अब अंडर ब्रॉक लेसनर रिंग से बाहर जाते हुए, और अब ट्रिपल एच कुट रहे हैं भाई,
अब कुटी जा रहे हैं भाई ब्रॉक लेसनर को रिंग साइड पे। और ये रोमन रेंज दोबारा फेस बस्टर देने लगे, लेकिन यार शॉन माइकल्स ने रिवर्स कर लिया। शॉन माइकल कुछ ज़्यादा रिवर्स नहीं कर रहा यार, मतलब सबसे ओल्ड यही है मैच में आई गेस। नहीं, ओल्ड सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल अंडरटेकर है। और दोबारा पिनफॉल करने जा रहा है यार, पहले थोड़ा और मार ले फिर पिनफॉल कर। एक तो ये मसला है, जल्दी से पिनफॉल करते हैं। और ये स्विट चैन म्यूज़िक दे दिया मुझे स्टंट करने के, मैं नॉकआउट नहीं हुआ फिर पिनफॉल नहीं होगा क्योंकि बचा लेंगे। ये रेफरी क्या कर रहे इतनी देर से, क्यों वो कर रहा है 1 2 3। और ये जो है अब अंडरटेकर ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर को बाहर फेंक दिया रिंग से। और ये शॉन माइकल दूसरा स्विच इन म्यूज़िक देने लगे, अगर ये कनेक्ट हो गया तो मैं नॉकआउट हो सकता हूँ। और ये फाइनली यार मैंने रिवर्स कर ही लिया इसका मूव। और ये रोमन रेंस दोबारा फेस बस्टर देने लगे, लेकिन इसने यार दोबारा रिवर्स कर लिया। यार शॉन माइकल्स क्या कर रहा है, मेरे हर मूव को रिवर्स ही किए जा रहे हैं। कम ऑन यार, मतलब ये ऐसे भी ना करो ना यार, थोड़ा मुझे टाइम दो। ये दोबारा पिनफॉल करने जा रहा है। अबे सबसे ज़्यादा तो इसने यार, ये मुझे पिनफॉल सबसे ज़्यादा इसने ट्राई मारी है शॉन माइकल्स ने। वैसे ये पिनफॉल बनता नहीं है वैसे यार इतनी जल्दी। और ये अब क्या करने लगे हैं शॉन माइकल्स। और यार ये मुझे साइड वॉक जो है पेड़ कह रहा हूँ साइड वॉक बैक ब्रेकर दे दिया। और ये अब शॉन माइकल्स रिंग के ऊपर टॉप रोप से पता नहीं क्या करने लगे, फ्रॉक स्प्लैश देने लगे क्या करने लगे। और ये जो है मेरा ख्याल है एल्बो देने लगे थे, ये इनका सिग्नेचर है एल्बो, लेकिन मैंने रिवर्स कर लिया। अच्छा ये सिग्नेचर कनेक्ट हो जाता ना तो शायद मैच जो है वो एलिमिनेट हो सकता था। लेकिन खैर अब यार ये जल्दी से नीचे बैठ जाए ना, गिर जाए तो इसको मैं जल्दी से जो है वो स्पेयर देता हूँ, ताकि यार ये तो जल्दी से एलिमिनेट हो। ये रोमन रिंग जो अपने स्पेयर के लिए जा रहे, कम ऑन अब यार ये स्पेयर कनेक्ट होना चाहिए, प्लीज़ यार रिवर्स मत करना शॉन माइकल्स। और ये जो है वो दर्दनाक किस्म का जो है वो स्पेयर दे दिया शॉन माइकल्स को। शॉन माइकल्स सही पेन में और स्टंट है, क्यों ना यार दूसरा दिया जाए। अगर ये फिनिशर लग जाता है ना शॉन माइकल्स को, तो शॉन माइकल्स जो है वो एलिमिनेट हो सकते हैं। और ये जो है वो एलिमिनेट कर दिया शॉन माइकल्स को। और अब आ गए भाई ट्रिपल एच, और अब इसको एलिमिनेट करते हो ये फ्लाइंग क्लोज नाइन देते हुए। शुक्र है यार ये मिस नहीं हुआ। और यार ये मुझसे कैसे मिस हो गया। और ये जो है वो ट्रिपल एच ने जो है मुझे पेडिग्री लगा दी है भाई। और ये दूसरा फिनिशर भाई रोमन रिंग्स को पड़ा है मैच में, लेकिन थैंकफुली यार रोमन रिंग्स जो है वो एलिमिनेट नहीं हुए भाई। वैसे होना भी नहीं चाहिए यार, रेफरी क्यों गिरी हुई है यार, क्या हो गया इसको इस बेचारी को। अभी यार स्लो काउंट करेगी, ये भी एक WWE 2K23 में फीचर। और ये मुझे फिकर फॉर लॉक लगा दिया भाई ट्रिपल एच ने। और यार मीटर क्यों फुल हो रहा है, अबे रोको है। और यार ये जॉन सीना ने जो है वो सबमिशन ब्रेक कर दिया, मैंने यार ट्राइबल चीफ जो है वो टैप आउट करने लगे थे। और ये मुझे तीसरा दूसरा पेडिग्री देने लगे, और ये मुझे जो है दूसरा पेडिग्री दे दिया और तीसरा फिनिशर। और रोमन रिंग्स भी जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। सो भाई ट्रिपल एच ने जो है वो रोमन रिंग्स को एलिमिनेट कर दिया है। सो हेड ऑफ द टेबल नॉकआउट हो चुके हैं। और ये ब्रॉक लेसनर ने आते ही जो है वो बरसात कर दी है भाई सुपलेक्स सिटी की ट्रिपल एच के ऊपर। और ब्रॉक लेसनर जो है वो सही गुस्से में लग रहे हैं और सुपलेक्स से आगाज़ कर रहे हैं। और अब जो है वो सुपलेक्स सिटी दे रहे हैं भाई द गेम ट्रिपल एच को। वैसे यार रोमन रिंग्स को तीन फिनिशर सबसे ज़्यादा फिनिशर्स पड़े हैं इस मैच में। सो वैसे तीन फिनिशर से जो है रोमन रिंग्स एलिमिनेट हुए। सो वेल प्लेड बाय रोमन रिंग्स, लेकिन फिर भी रिवर्स कर देना चाहिए था। और ये जो है वो अब F5 देने लगे हैं ट्रिपल एच, नॉकआउट हो सकते हैं। और ये स्टंट हो गए ट्रिपल एच, लेकिन यार नॉकआउट नहीं हुए। अब जॉन सीना को मैंने टैग दे दिया, चल भाई जॉन सीना कुछ कर यार, अब मार मत खाना। और अब मेरे पास अब फिनिशर आ चुके हैं जॉन सीना के पास, क्यों ना यार AA दिया जाए और ये रिवर्स होना चाहिए। AA दे दिया है और ट्रिपल एच भी नॉकआउट हो चुके हैं। सो बहुत ही ज़बरदस्त मैच था, टीम रोमन रिंग्स का विनिंग स्ट्रीक बरकरार है और टीम रोमन रिंग्स वन द मैच। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टाकरा था। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आ रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।